के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, आखिर ये हैं कौन, और मेन कारण तो यही है इन युद्ध का। तो आज हम जानते हैं कि ये क्या हैं, कितने पढ़े लिखे हैं और कहाँ से कैसे ये बने हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के ऊपर ये वीडियो है। 44 साल के हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, पूरी तरीके से देश और उसके नागरिकों के साथ खड़े हैं। सबकी नज़र केवल राष्ट्रपति पर ही अभी फोकस है और रूस के हमले के बीच दुनिया की निगाहें राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर ही टिकी हुई हैं। 2019 में चुने गए थे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ठीक है, बतौर कॉमेडियन और एक्टर भी हैं ये। और इनके बारे में जानते हैं कि आखिरी कहां से आए हैं, क्या हुआ इनके बाद। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, यूक्रेन ने हर दिन बेबस और लाचार तस्वीरें जारी की हैं, लेकिन इस बीच पूरी दुनिया मौन है। लेकिन 44 वर्षीय यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पूरी तरीके से देश के साथ और उनके नागरिकों के साथ खड़े हैं। सबकी नज़र केवल राष्ट्रपति पर केंद्रित है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और 2019 में उन्होंने 73% वोटों के साथ अपना जो इलेक्शन है उसको विन किया था। लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि राजनीति में आने से पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मनोरंजन जगत में अपनी भाग्य आजमा चुके हैं? आइए इस लेख के माध्यम से हम जानते हैं और इस आर्टिकल के जो अभी आर्टिकल पब्लिश हुए इंटरनेट पे उसके बारे में जानते हैं कि इनकी उसके अकॉर्डिंग इनकी पर्सनल लाइफ क्या है, कैसी है और इन्होंने और क्या क्या चीज़ें की हैं। पर्सनल लाइफ एक ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग 25 जनवरी 1978 को यूक्रेन के क्रीवी री में यहूदी माता पिता के घर ज़ेलेंस्की ने कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया है। मतलब ये अच्छे खासे एडुकेटेड पीपल हैं। हालांकि उन्होंने लॉ को कभी अपना कैरियर नहीं बनाया। उन्होंने ओल्ना ज़ेलेंस्की से शादी की है, उनके दो बच्चे हैं, बेटी ओलकेंड्रा है और बेटा कार्लो है। ठीक है, कैरियर इनका क्या है, व्लादिमीर जो ज़ेलेंस्की हैं पढ़ाई के दौरान ही वो थिएटर में सक्रिय हो गए थे। 1997 में उनका परफॉर्मेंस ग्रुप क्वार्टल 95 KVN के टेलीविज़न फाइनल में दिखाई दिया। KVN एक लोकप्रिय कॉमेडियन प्रतियोगिता है, कंपटीशन है। KVN एक लोकप्रिय कॉमेडियन प्रतियोगिता है जिसके स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल में टेलीकास्ट किया गया था। वो 2003 तक इस शो में रहे हैं। ज़ेलेंस्की 2011 तक कंपनी के आर्ट डायरेक्टर भी रहे हैं। उसके बाद यूक्रेनी टेलीविज़न चैनल इंटर टीवी के चैनल जनरल प्रोड्यूसर बन गए। टेलीविज़न में काम करने के अलावा ज़ेलेंस्की कई फीचर्स फिल्मों में भी दिखाई दिए हैं, इसलिए बहुत सारी रोमांटिक्स मूवीज़, बहुत सारे शोज़ में भी दिखे हैं। 2015 में आए उनके शो सर्वेंट ऑफ द पीपल में उनका किरदार को बेहद पसंद किया गया था। अब इनका पॉलिटिकल कैरियर क्या है, अब वो भी आप समझ लीजिए। ठीक है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, 2019 का चुनाव 73% वोटों से विन किया था, जो इलेक्शन था और जीता था। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है और उनका नाम पेंड्रो पेपर्स, ठीक है, पेंड्रो पेपर्स पे भी एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा कि इस पे नाम क्यों आता है, क्या होता है ये। उन्हें और उनकी प्रोडक्शन कंपनी को ऑफशोर शेल कंपनी से जोड़ा गया है। अपने राष्ट्रपति अभियान में ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ संघर्ष को समाप्त करने का वादा किया था, लेकिन अब वो समाप्त होता नहीं दिख रहा है, अब वो ज़्यादा सक्रिय होता दिख रहा है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, अब ऐसा कहा जा रहा है कि अब ये अमेरिका वाले कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन है और सारी कंट्रीज़ के फेवर वाले में दिख रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान में हाल फिलहाल के दिनों में हमें जैसा दिखा, अशरफ गनी सरकार वहाँ के मेन वही लीडर ही भाग गए, ऐसा यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला है। वहाँ पे भी अमेरिका गलती थी और यहाँ पे भी अमेरिका गलती, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास इतना कॉन्फिडेंट तो है कि हम अपने देश में रह सकते हैं, हम अपने देश के लिए लड़ सकते हैं। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है? आई होप मैंने आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति जुड़ी हर एक छोटी छोटी जानकारी जो भी इंटरनेट पर अभी अवेलेबल है, जो भी तमाम वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, जो भी सर्विस वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। आप सभी से मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो की अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।